स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के वीडियो में बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, इसके आंसर की मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। BA6 सेमेस्टर का मेरे पास क्वेश्चन पेपर रहेगा। ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का ये क्वेश्चन पेपर रहेगा। सीरीज़ मेरे पास ए रहेगी, आपके पास कुछ भी हो सकती है, मैच कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी, आपको जो समय दिया गया था इसको क्वेश्चन पेपर को करने के लिए 2 घंटे का समय दिया गया था। 75 नंबर से का आपसे क्वेश्चन पेपर कराया गया था। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि 75 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, 65 आपको करने थे, तो 65 में से आपको 22 क्वेश्चन सही करने हैं पास के लिए। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। मैं जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन बताता हुआ चलूँगा, आप जल्दी से अपने आंसर मैच कर लेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नाजीवाद का आरंभकर्ता देश है, तो नाजीवाद का आरंभकर्ता देश हो जाएगा जर्मनी। ठीक है, जर्मनी में कब हुआ था, 1919 में नाजीवाद का आरंभ होता है, जन्म होता है कहाँ पर, जर्मनी में। बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में 6 व्यवस्थीय दृष्टिकोण किसने दिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में 6 व्यवस्थीय दृष्टिकोण जो है मॉर्टन कापलेन ने दिए। ठीक है, किसने, मॉर्टन कापलेन ने दिए हैं। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया स्टेबल पीस पुस्तक किसने लिखी है, स्टेबल पीस जो किताब है कैथरीन ए बाउल्डिंग ने लिखी है। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पैक्स अमेरिकन क्या है, तो पैक्स अमेरिकन क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपको लगाना है अमेरिकी सत्ता के माध्यम से शांति। बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्न में से सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था को किसने यथास्थिति का संरक्षक बतला है, तो राइट आंसर आपको लगाना उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। देखो ये सच है कि वाल्टर लिपमैन ने स्नाइडर ने क्विंस राइट ने सामूहिक सुरक्षा पर क्या करा है, काम किया है, लेकिन किसी ने भी इसे स्पष्ट रूप से यथास्थिति का संरक्षक नहीं बतलाया है, तो डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लुक ईस्ट पॉलिसी के जनक कौन है, तो लुक ईस्ट पॉलिसी के जनक हो जाएंगे नरसिम्हा राव। बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पड़ोसी पहले की नीति किसने दी है, राइट आंसर आपको लगाना है नरेंद्र मोदी ने दी है। ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। सार्क का 8वां सदस्य देश कौन सा है, राइट आंसर आपको लगाना अफगानिस्तान है। बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्न में से पामर एवं पार्किंस के लिए किस राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के कौन से साधन है, राइट आंसर आपको लगाना कूटनीति, प्रचार और राजनीतिक, युद्ध तथा युद्ध केवल, आर्थिक साधन साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद केवल। तो उपरोक्त ए और बी दोनों सही हैं, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक सबके लिए और सब एक के सामूहिक सुरक्षा का मूल मंत्र है, निम्न में से किसने कहा है, मॉर्गेंथाउ ने कहा है। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दितान से क्या तात्पर्य है, दितान से तात्पर्य हो जाएगा पूर्व और पश्चिम के बीच तनाव का अंत। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वुड्रो विल्सन समर्थक थे, तो वुड्रो विल्सन जो है आदर्शवाद के समर्थक थे। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किसने ये नारा दिया कि आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध, ठीक है आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध, ये नारा किसने दिया था, राष्ट्रपति बुश ने दिया है। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा निशस्त्रीकरण से संबंधित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन निशस्त्रीकरण से संबंधित नहीं है, राइट आंसर आपको लगा देना नाटो। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहले हिंदी में भाषण देने वाला भारतीय कौन है, राइट आंसर आपको लगाना है अटल बिहारी वाजपेयी। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विदेश नीति अपनाने का निर्देश देता है, राइट आंसर आपको लगाना अनुच्छेद 51 ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। डॉलर डिप्लोमेसी किस अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा शुरू की गई थी, राइट आंसर आपको लगाना है विलियम टॉफ्ट के द्वारा। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। फ्रांसीसी कुकुयामा का इतिहास का अंत से क्या तात्पर्य है, राइट आंसर आपको लगाना है अर्थशास्त्र और राजनीतिक और उदारवाद की विजय। ठीक है, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय विश्व युद्ध के कारण थे, राइट आंसर आपको लगाना है राष्ट्रीय संघ की विफलता, फांसीवाद या फिर कट्टर राष्ट्रवाद का उदय, तुष्टिकरण की विफलता, ये सभी जो हो जाएंगे द्वितीय विश्व युद्ध के कारण थे। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आज़ादी के बाद भारत की विदेश नीति जिन सिद्धांतों पर टिकी है उनमें से सम्मिलित नहीं है साम्राज्यवाद का समर्थन। ठीक है, बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है।
निम्नलिखित में कौन गैर राज्याभिकर्ताओं में शामिल है? राइट आंसर आपको लगाना है गैर सरकारी संगठन, आतंकवादी संगठन, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ये सभी जो हो जाएंगी गैर राज्याभिकर्ताओं में शामिल है। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। शीत युद्ध का मुख्य कारण क्या था? शीत युद्ध का मुख्य कारण था विचारधारा। ठीक है, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सभ्यताओं का संघर्ष सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। सभ्यताओं का संघर्ष जो सिद्धांत है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? सैमुअल पी हंटिंग के द्वारा। भी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कूटनीति का प्रथम मुख्य उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कूटनीति का प्रथम मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर आपको लगाना है राष्ट्रीय हित। भी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। बिस्टेक कैसा संगठन है? तो बिस्टेक एक बहुपक्षीय संगठन है। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वैश्वीकरण के उद्देश्य क्या है? तो वैश्वीकरण के उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग, आर्थिक समानता, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास, ये सभी जो है वैश्वीकरण के उद्देश्य हैं। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। यूएनओ के 1945 के स्थापना के समय सदस्य देश कितने थे? राइट आंसर आपको लगाना है 50 थे। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। स्टार्ट फर्स्ट किन दो देशों के बीच समझौता है? राइट आंसर आपको लगाना है यूएसए और यूएसएसआर के बीच समझौता है। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। कौन अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक को नैतिकता से प्रेरित व संचालित मानते हैं? राइट आंसर आपको लगाना है आदर्शवादी। बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में किसने शीत युद्ध शब्द को सबसे पहले प्रयोग किया? बर्नार्ड बारूच ने किया है। ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन किसकी पुस्तक है? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है मॉर्गन थाउ की है। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आदर्शवादी किस में विश्वास करते हैं? तो आदर्शवादी जो है हमारा व्यापार और सहयोग में विश्वास करते हैं। बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश ब्रिक्स में शामिल नहीं है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है अमेरिका। ठीक है, कौन सा देश शामिल नहीं है? अमेरिका नहीं है। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नाटो गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किस विचारधारा के लिए एक उल्लेखनीय जीत थी? राइट आंसर आपको लगाना है उदारवाद के लिए। बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एशियन का पूरा नाम क्या है? एशियन का पूरा नाम हो जाएगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विश्व व्यवस्था सिद्धांत के साथ कौन सा विचारक जुड़ा हुआ है? विश्व व्यवस्था सिद्धांत के साथ कौन सा विचारक जुड़ा हुआ है? राइट आंसर आपको लगाना है इमैनुअल वल्लरस्टीन जुड़ा हुआ है। ठीक है, इमैनुअल वल्लरस्टीन जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सार्वभौम मानव अधिकार घोषणा पत्र को कब स्वीकार किया गया था? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है 10 दिसंबर 1948 को। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है जेनेवा में स्थित है। ठीक है, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यूरो मुद्रा का प्रयोग यूरोपीय संघ के कितने देश कर रहे हैं? राइट आंसर आपको लगाना 25 देश कर रहे हैं। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रोहिंग्या शरणार्थी की समस्या का संबंध निम्न में से किस देश से है? राइट आंसर आपको लगाना यहाँ पे म्यांमार से हो जाएगा। ठीक है, ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यूरोपीय संघ के कितने देश सदस्य हैं? यूरोपीय संघ के कितने देश सदस्य हैं? राइट आंसर आपको लगाना 28 देश हैं। बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्न में से किस देश को सुरक्षा परिषद में वीटो की शक्ति प्राप्त नहीं है? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है जापान। ठीक है, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति परिवर्तन हो गई थी तो कैसे हुई थी? दो ध्रुवीय विश्व राजनीति में हुई थी। बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति होती है 9 वर्ष के लिए? डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? राइट आंसर आपको लगाना है एंटोनियो गुटेरस। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? राइट आंसर आपको लगाना है भारत। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उत्तर दक्षिण संवाद से आप क्या समझते हैं? उत्तर दक्षिण संवाद से समझते हैं विकसित एवं विकासशील देशों के मध्य संवाद। ठीक है, सी यहाँ पे
आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तीसरी दुनिया का देश नहीं है? राइट आंसर आपको लगाना है ब्रिटेन, डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तृतीय विश्व शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है अल्फ्रेड सोवी ने किया है, ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ओसामा बिन लादेन किस आतंकवादी संगठन का सरगना था? राइट आंसर आपको लगाना है अलकायदा का है, ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन संपूर्ण मानव जाति के लिए अभिशाप है? राइट आंसर आपको लगाना है आतंकवाद, डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर आपको लगाना है हेग में स्थित है, ठीक है, कहाँ पर है? हेग में, 52 का बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आज विश्व शांति में बाधक क्या है? आज विश्व शांति में बाधक क्या है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है, सशस्त्रीकरण है, शस्त्रों की बिक्री है, शस्त्रों का व्यापारी है, सभी जो हो जाएंगे विश्व शांति में बाधक हैं, डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। 1974 में भारत ने कहाँ आणविक विस्फोट किया? राइट आंसर आपको लगाना पोखरण में किया है, ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई है, ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। शीत युद्ध के कारण कौन से संगठन अस्तित्व में आए हैं? तो नाटो आया है, वर्सा पैक्ट आया है, सेंटो, ये सभी जो हो जाएंगे शीत युद्ध के कारण संगठन अस्तित्व में आए हैं, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विदेश नीति के प्रमुख निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं? राइट आंसर आपको लगाना जनसंख्या है, भौगोलिक स्थिति है, प्राकृतिक संसाधन है, उपरोक्त सभी, डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यथार्थवादी सिद्धांत का समर्थक कौन है? यथार्थवादी सिद्धांत का समर्थक कौन है? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है इनमें से सभी, ठीक है, मॉर्गेंथाउ, कैनन और नेहरू, ये सभी जो हो जाएंगे यथार्थवादी सिद्धांत के समर्थक हैं, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, CTBT पर हस्ताक्षर कब हुए थे? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना 1996 में हुए थे, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर आपको लगाना काठमांडू में स्थित है, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पॉलिटिक्स अमंग नेशन के लेखक कौन है? राइट आंसर आपको लगाना है मॉर्गेंथाउ, डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन पेपर अगर आपको डाउनलोड करना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, और ये वाला क्वेश्चन पेपर और इसी के साथ लास्ट ईयर के सभी क्वेश्चन पेपर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। आपको अगर लिंक पे क्लिक नहीं करना है तो क्या करना है, टेलीग्राम पे जाना, सर्च करना है @study platform, ठीक है, @study platform जैसे सर्च करेंगे चैनल नजर आएगा, उसको आप कॉल क्या कर देंगे, ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर लेंगे, या फिर आप क्या करेंगे, आपको स्क्रीन पे एक नीचे नंबर नज़र आ रहा होगा, इस नंबर पे मुझे मैसेज करेंगे, सर कि टेलीग्राम का लिंक मुझे दे दीजिए, तो मैं टेलीग्राम का लिंक आपको दे दूंगा, आप ज्वाइन होकर PDF डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस देश ने CTBT पर हस्ताक्षर करना स्वीकार नहीं किया है? तो भारत और पाकिस्तान ने अभी तक नहीं किए हैं, बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का केंद्र बिंदु है? राइट आंसर आपको लगाना राष्ट्रहित, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को लागू करने की घोषणा कब की गई? संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को लागू करने की घोषणा कब की गई थी? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है 24 अक्टूबर 1945 को, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, परमाणु सशस्त्र प्रसार निषेध संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है 1968 में किए गए, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है, ये शब्द किसके हैं? राइट आंसर आपको लगाना है मॉर्गेंथाउ के हैं, ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सामूहिक सुरक्षा की भावना को ध्यान में रखकर इनमें से किसकी स्थापना की गई थी? राइट आंसर आपको लगाना है राष्ट्रीय संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ और नाटो, इन सभी की सामूहिक सुरक्षा की भावना को ध्यान में रखकर स्थापना की गई है, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक उपश्रेणी है? राइट आंसर आपको लगाना है स्प्राउट एवं स्प्राउट ने की है, बी यहां पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 2024 में विश्व व्यापार संगठन का सम्मेलन निम्न में से किस स्थान पर हुआ है? राइट आंसर आपको लगाना है अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है, सी यहां पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से राष्ट्रों के मध्य शीत युद्ध की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? राइट आंसर आपको लगाना है केवल वैचारिक घृणा, राजनीतिक अविश्वास तथा कूटनीति जोड़, केवल सैनिक प्रतिस्पर्धा, जासूसी और मनोवैज्ञानिक युद्ध, यानी कि ए और बी दोनों आपके सही हैं, ये दोनों ऑप्शन जो हो जाएंगे शीत युद्ध की प्रमुख विशेषताएं हैं, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल सिद्धांत निम्न में से UN के चार्टर के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? राइट आंसर आपको लगाना अनुच्छेद 2 में दिए गए हैं, ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे, निम्न में से कूटनीति को वार्ता या व्यवहार में निपुणता, दूरदर्शिता तथा कौशल का प्रयोग के रूप में किसने परिभाषित किया? राइट आंसर आपको लगाना है सैटोव ने किया है, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से भारत की विदेश नीति के बारे में कौन कहा करता था कि आज का आदर्शवाद आने वाला कल का यथार्थवादी ही है? राइट आंसर आपको लगाना है जवाहरलाल नेहरू, बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष होने वाले प्रथम भारतीय कौन है? राइट आंसर आपको लगाना है डॉक्टर नागेंद्र सिंह, बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पोखरण परमाणु टेस्ट को कोड नाम दिया गया था, क्या नाम दिया गया था? राइट आंसर आपको लगाना है स्माइलिंग बुद्धा, ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आपका पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करा दिया, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो एक छोटा सा लाइक कर देंगे, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करेंगे, पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लेंगे अगर आपका एग्जाम आने वाला है तो, ठीक है? वरना आपने आंसर मैच किए हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे कितने आपके क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है? तो ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज़।